तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ऐसा ही खूंखार सा प्रोडक्ट जिसको देख के आपको सही में मजा सा आ जाने वाला है। तो स्किप का बटन अपने फोन से अनइंस्टॉल कर लीजिए और बिना बकवास के मैं उस प्रोडक्ट से आपसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो गाइस ये है वो प्रोडक्ट जिसको आपने थंबनेल और टाइटल में देख के पहचान ही लिया होगा। तो गाइस ये है एक USB टॉर्च। तो गाइस आप सोच रहे होगी भाई ये टॉर्च की अनबॉक्सिंग क्यों कर रहा है, हमने बहुत सारी टॉर्च देखी है, बहुत सारी टॉर्च इस्तेमाल भी करी है और फिर उसको कबाड़े में बेच के चूरन भी खाया है। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये कोई मामूली टॉर्च नहीं है, ये एक चमत्कारी टॉर्च है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आज इस टॉर्च की फुल स्पेसिफिकेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो बिना बकवास के बात कर लेते हैं इसकी बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले आपको मिलती है वो मेन USB टॉर्च, उसके बाद बात कर लेते हैं और क्या क्या इस डब्बा में आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो आपको उसके बाद मिल जाती है माइक्रो USB केबल, इसको चार्ज करने के लिए टाइप सी नहीं है। अभी हम इसके चार्जिंग टाइम और इसके वर्किंग टाइम के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस उसके बाद आपको मिल जाता है खूंटा इसको बांधने के लिए, क्योंकि गाइस ये टॉर्च एकदम पागल सांड की तरह है, जब इसको गुस्सा आता है तो एकदम सांड बन जाता है ये। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत हो जाना। तो गाइस आ गई है हमारी मेन चीज, बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस इसमें आपको एल्यूमिनियम का अलॉय का बिल्ड मिल जाती है और गाइस ये एक एंटी स्क्रैचिंग टॉर्च भी है, मींस अगर आप इसको स्क्रैच करना चाहो इतनी आसानी से इसमें स्क्रैच नहीं आने वाले। और गाइस काफी पोर्टेबल टॉर्च है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो ये मेरी एक उंगली जो मिडल फिंगर है उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोई नहीं भाई इसने कॉम्प्लेन पिया है, मेरी उंगली ने कॉम्प्लेन नहीं पिया। और गाइस साथ ही साथ मैं आपको इस प्रोडक्ट का वेट भी बता देता हूँ। तो गाइस ये 70 ग्राम का टॉर्च है। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये प्रोडक्ट मेरे को काफ़ी ज़्यादा झकास लगा। अगर आपसे गलती से बाय चांस ये प्रोडक्ट गिर भी जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, मेरा नाम बस ले लेना। तो गाइस उसके बाद बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिलता है जिसके मदद से आप इस टॉर्च को चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसके मदद से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और इसको बंद भी कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर आपको मिलता है वो खूंटा बांधने का ऑप्शन, यहाँ पर आप अपना खूंटा बांध सकते हो, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये पागल सांड है। तो गाइस खूंटा हमने बांध लिया है, बात कर लेते हैं इसकी LED के बारे में। तो गाइस इसमें आपको 2 LED मिलती है, एक साइड LED और एक फ्रंट LED। तो साइड LED का नाम मैं आपको बता देता हूँ, तो COB आपको इसमें LED प्रोवाइड करी गई है, और जो ऊपर वाली LED है वो XPL LED है, और जो इन दोनों के मार्क्स आउटपुट है वो है 1000 लूमेंस। तो गाइस इसमें आपको 3 मोड कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करे गए। तो गाइस आप सोच रहे होगे कि भाई जब 2 LED है तो 3 मोड काय का। तो गाइस आप चिंता क्यों करते हो यार, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने बैठा है वो आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएगा ना। तो गाइस उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में। तो गाइस इसमें आपको बैटरी लाइफ बहुत कम देखने को मिलती है, उसकी चार्जिंग टाइम बहुत हाई है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने आपको इसकी प्राइस तो बताई नहीं, अभी बता देता हूँ। तो गाइस इसकी प्राइस 200 रुपये है, मीन्स आपको 200 रुपये में ये अमेजोन पर मिल जाएगा। तो गाइस अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे, बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में। तो गाइस अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट अगर आप 2 घंटे तक चार्ज करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे तक का बैटरी बैकअप इस टॉर्च में मिल जाएगा। और गाइस इसमें आपको लिथियम आयन की बैटरी मिलती है जो कि एक रिचार्जेबल बैटरी है। और गाइस मेरे को इसकी बैटरी लाइफ एकदम बेकार लगी, उसके बाद ख्याल आते हैं कि इसकी प्राइस भी बहुत कम है, तो इतने प्राइस में आपको इतना ही मिलेगा। तो गाइस उसके बाद बात कर लेते हैं इसके कुछ और एडिशनल फंक्शन के बारे में। तो गाइस ये टॉर्च एक वाटरप्रूफ टॉर्च भी है, मींस अगर आप इसको बाय चांस से पानी में गिर भी गया तो आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा समय तक इसको पानी में मत रखिएगा, क्योंकि अभी ये वाटरप्रूफ की शिक्षा ले रहा है, अभी ये प्रो लेवल का वाटरप्रूफ नहीं बना है। तो आई होप कि आप ये मेरी लाइन समझ गए हो। तो गाइस उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी LED की रेंज के बारे में। तो गाइस जो इसकी मेन LED है उसमें आपको 400 मीटर की रेंज मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। तो गाइस आप इस टॉर्च को एज ए जासूसी भी यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो कि पड़ोसी के घर में कौन सी सब्जी बननी है, मटर पनीर की बननी है या नहीं, लेकिन ऐसा करना मत भाई, ऐसे सिली हुई चप्पल पड़ेगी मुँह पर। तो ये फालतू बातों को छोड़ते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी साइड LED की रेंज के बारे में। तो गाइस इसमें आपको 40 मीटर की रेंज मिल जाती है साइड LED में, तो आप इसको एज ए स्टडी पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और आप एज ए हाइकिंग कैंपिंग और इमरजेंसी लाइट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस बहुत हो गई ऊपर से बात, आप समय आ गया है इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने का। तो सारी लाइट ऑफ करते हैं और इस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं।
तो गाइस ये है उसका पहला मोड। तो गाइस आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये डब्बा आपको अच्छे तरीके से विजुअल हो रहा है या नहीं। मेरे को तो सही तरीके से अच्छी तरीके से दिख रहा है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ उसके सेकंड मोड के बारे में। तो गाइस सेकंड मोड कुछ नहीं, बस ये लाइट है वो ब्लिंक होना शुरू कर जाएगी। तो ये रहा इसका सेकंड मोड। और गाइस ये मोड काफी ज्यादा हिप्नोटाइज कर रहा है मेरे को। तो गाइस ये है उसका थर्ड मोड। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मोड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे को थर्ड मोड सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें वो जो डब्बी है वो अच्छे तरीके से विजुअल हो रही है। तो गाइस वन थिंग मोर, अगर आपको किसी पॉइंट पर इस लाइट को जूम करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसके खोबड़े को थोड़ा आगे कर देना और वो जिस पॉइंट पर आप जूम करना चाहते हो वो जूम हो जाएगा। तो गाइस आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, जल्दी करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो गाइस ये है वो नॉर्मल मोड, और अगर आपको इस पॉइंट पर जूम करना है तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसकी खोपड़ी को आगे कर देना है और ये एक पॉइंट पर जूम कर देगा। और गाइस ऐसा ही कुछ सेकंड मोड में होता है, लेकिन सेकंड मोड में जो लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है। तो ये देखिए ये सेकंड मोड का रिजल्ट है। और गाइस अगर आप इसके खोपड़े को ऊपर करते जाते हो तो ये लाइट बड़ी होती जाती है। तो गाइस आई होप कि आपको इसका फोकस मोड समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी आपको समझाने के लिए। तो गाइस आज इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको दिया इस टॉर्च के फुल स्पेसिफिकेशन। और गाइस लिटरली मेरे को ये टॉर्च बहुत सही लगा, एक्सपेक्ट बैटरी लाइफ और चार्जिंग टाइम को छोड़ के। लेकिन गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या चीज़ लगा। मेरे को इसमें सबसे बढ़िया मोड लगा थर्ड मोड, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो गाइस कमेंट जरूर करिएगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो यू कैन सपोर्ट माई चैनल।